वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं। द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द एनर्जीज बिटवीन टू एनर्जी लेवल इन विच द ट्रांसमिशन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ऑन दिस बेसिस द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग फोर सीरीज। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो निश्चित आवृत्ति उन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर पर निर्भर करता है जिसमें या जिनमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तरों से एक निश्चित निम्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को हम स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। मुख्य पांच स्पेक्ट्रमी श्रेणी होती है। फर्स्ट इज लाइमन श्रेणी, सेकेंड इज बामर श्रेणी, थर्ड इज पाशन श्रेणी एंड फोर्थ इज पुंड श्रेणी और फिफ्थ इज ब्रैकेट श्रेणी। तो फर्स्ट इज लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। इलेक्ट्रॉनों के उच्च ऊर्जा स्तर का कक्षा n इक्वस टू 2, 3, 4 से प्रथम कक्षा में n इक्वस टू 1 में संक्रमण से प्राप्त उत्सर्जी स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाइमन श्रेणी कहलाती हैं। द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट n इक्वस टू 2, 3, 4 --, to the first orbit n equals to 1 forms a spectral series called a Lyman series। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5 अलग अलग ऑर्बिट्स दिए हुए हैं, अलग अलग सीरीज दी, ये अलग अलग ऑर्बिट्स दिए हैं। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट जो लाइमन सीरीज होती है, लाइमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो एमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हायर ऑर्बिट एन इक्वस टू इनफाइनाइट से जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कहाँ पर आ रही हैं, ग्राउंड स्टेट एन इक्वस टू इनफाइनाइट, n equals to 6, n equals to 5, n equals to 4, n equals to 3, 2, तो as it is ये सारी spectral lines higher orbit से कहाँ पर आ रही हैं, ground या first orbit n equals to 1 में। तो these forms a spectral line called a Lyman series। तो इसे क्या बोलेंगे हम, Lyman series बोलेंगे। और ये लाइमन सीरीज हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती हैं। वी हैव द फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/(n1)² -1/(n2)²। हियर n1 equals to 1 and n2 equals to n equals to 2, 3... Therefore, nu bar is equal to r 1/. अब हमने देखा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर ऑर्बिट से कहाँ पर आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट पर आ रहे हैं। तब यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 3। तो अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो v बार इज इक्वल टू मिलेगा हमें
are 1 upon 1 square minus of 1 upon n square. The longest wavelength of Lyman series can be obtained by putting n equals to 2. Therefore, 1 upon lambda maximum is equal to R 1 by 1 square minus 1 by अब जो लाइमन सीरीज होती है n equals to जब हम 2 पुट करते हैं तो n equals to 2 पुट करने पर लाइमन सीरीज हमें मिलती है. तो n equals to हमने यहाँ पर 2 पुट किया तो यहाँ से मिला हमें 2 square. Therefore, R 1 minus 1 by 4 is equal to 3R upon 4. और लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी हमें, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू मिल जाएगी 4 अपॉन 3R. देयरफॉर 4 3 आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. आर की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10^7 -7. देयरफॉर लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू मिलेगा हमें यहाँ से 1.216 इंटू 10^-7 मीटर. और लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी हमें 121.6 नैनोमीटर. एंड मिनिमम वेवलेंथ विल बी फॉर एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट. दस देयरफॉर 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर इज इक्वल टू आर. और लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.097 इंटू 10^7 इज इक्वल टू 0.911 इंटू 10^-7 मीटर. और लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 19.1 नैनोमीटर. दस द लाइमन सीरीज हैज वेवलेंथ रेंज 91.1 नैनोमीटर टू 12.6 नैनोमीटर. क्योंकि मिनिमम जो है वो 91.1 नैनोमीटर है और जो हाईएस्ट है वो कितनी है 121.6 नैनोमीटर. हैंस दिस सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. इसलिए ये जो सीरीज होती है ये सीरीज पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है. अब जो लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी से प्राप्त स्पेक्ट्रम में रेखाओं की जो तरंग दैर्घ्य परास है वो 91.1 नैनोमीटर से 121.6 नैनोमीटर की है. अर्थात लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है. ओके okay.